स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ये हम सेकंड जो है पोएम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है रेन ऑफ द रूफ। इसके कंपोजर है पोएट्स किने। इस पोएम की लाइंस में इसमें जो है रेन के विषय में बताया गया है कि रेन के मीडियम से इसमें जो है पोएट अपनी माँ को रिकलेक्शन करता और ये इसको देखते हैं हम। When the heroic shadows hover over all the shining spheres, यहां पर बताया गया है कि कैसे बादल जब पूरे आसमान में छा जाते हैं और उस समय ये इमेजिन किया गया है कि स्टेरी नाइट है और स्टेरी नाइट के समय बादल पूरे छाए हुए हैं, होवरिंग है, तो उसके अंतर्गत आगे एंड द मेलंकोली डार्कनेस जेंटली वीव्स इन रेनी टियर्स। और उसमें ये दिखाई देता है कि जैसे पूरा आसमान ही सैड हो गया हो और जब पानी बरसने लगता है तो ऐसा लगता है कि पूरा आसमान के आंखों से आंसू की धारा बह रही है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अपोटेस चैम्बर बेड। और यहां पर पॉइंट कह रहे हैं कि मैं जो है अपने रूम में अपने कमरे में हूं और जहां पर मेरे पास जो है पिलो है और वहां पर लेट करके मैं इस पूरे रेनी डे की या रेनी नाइट की मैं पूरा आनंद ले रहा हूं और कैसे मेरे लिए रेनी जो है बहुत ही अच्छी साबित हो रही है। एंड लाइक लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और वहां मैं ये भी देख रहा हूं कि कैसे रेन ड्रॉप आ करके उनकी जो साउंड है, उनकी आवाज है, वो कैसे मेरे कानों में पड़ रही है और मुझे सुखानुभूत हो रही है। एवरी टिकल और द सीगल्स हैज एन इको इन द हर्ड। और जितनी भी बूंदे, प्रत्येक बूंदे, जितनी भी बूंदे ये फर्श पर आकर के गिर रही है और उनसे उठी आवाज जो इकोइंग कर रही है वो मेरे हर्ड तक यानी मेरे दिल तक वो छू जाती है और मेरे हर्ड में भी वही सेम आवाज उत्पन्न हो रही है, क्रिएट हो रही है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फेसेस इको विजिबली स्टार्ट। और इस बीच में थाउजेंड फैंसी ड्रीम्स मेरे अंदर उठ रहे हैं और मैं नाना प्रकार के स्वप्न भी देख रहा हूं इस रेनी ड्रॉप्स के मीडियम से। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शन वी दे एयर ब्रेस्ट इन टू ऑन द रेन अपॉन द रूफ। और इस प्रकार से ये रेन ड्रॉप जो गिर रही है और मुझे इन द पास्ट मतलब मेरे भूतकाल की सारी रिकलेक्शन, जितनी भी ये मेमोरी है वो सब मेरे सामने आ रही है कि कौन कौन सी घटनाएं कैसे कैसे घटित हुई थी और रेन ड्रॉप्स और उसकी रिकलेक्शन दोनों आपस में जुड़ रही है। नेक्स्ट है, नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर एस यूज टू इन ईयर अगॉन। अब यहां पर वो अपनी मेमोरी में मतलब जो उनका रिकलेक्शन है उस रिकलेक्शन में अपनी माँ को, क्योंकि उनकी माँ इसमें नहीं है, एक्सपायर्ड हो चुकी है, तो उनको भी याद कर रहे हैं। टू रिकॉर्ड द डायलेट ड्रीमर्स एरे द लेक देन टेक डाउन। और वो उनको सम्मान के साथ अपनी माँ को याद कर रहे हैं अपनी ड्रीम में और ट्रेन ड्रॉप्स भी देख रहे हैं। और आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी। और वो देख रहे हैं कि कैसे उनकी माँ उनको लव करती थी और उनकी देखभाल करती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और सारी चीजें वो इस रेन ड्रॉप से इसको वो जो है सुन रहे हैं कि कैसे उनकी माँ उनका टेक केयर करती थी। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर्न ऑफ द रेन। और ये सारी चीजें जो उनका रिकलेक्शन हो रहा है, उनकी मेमोरी जो है क्रिएट हो रही है इन द पास्ट की, वो सारी चीजें रेन ड्रॉप जो नीचे गिर रही है, फॉलिंग हो रही है ऑन द फर्स्ट पर, उसकी आवाज से वो उसका कंपेयर कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ थैंक्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।